हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेदर इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज है मंडे, तो हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड की, राइट? तो मंडे म्यूचुअल फंड करने वाले हैं, और आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का, वो एक मिड कैप इंडेक्स है। तो जब ये इंडेक्स इन्वेस्टिंग, राइट, काफ़ी टाइम से अभी तो चल रही है, राइट, बट मेरे को याद है कि 2016-17 में भी थोड़ा सा एक इंडेक्स इन्वेस्टिंग की तरफ से एक स्टार्ट हुआ था लोगों का इंटरेस्ट। तो काफ़ी एक ये क्वेश्चन रेगुलरली आता था कि सर कोई मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ही नहीं है जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें इंडेक्स इन्वेस्टिंग करनी है लेकिन कोई मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ही नहीं है। तो वो दैट चेंज्ड आई थिंक इन 2019, राइट? आई थिंक जनवरी 2019 में सबसे पहले निप्पो ने एक ETF लॉन्च किया जो कि मिड कैप 150 इंडेक्स जो था उसके ऊपर। फिर सितंबर में आई थिंक इंडेक्स फंड भी लॉन्च हुआ, मोतीलाल ने लॉन्च किया। तो इस तरह से फिर अब तो मेरे ख्याल से कुछ काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, वी विल डिस्कस अबाउट देम, राइट? तो आज का जो टॉपिक है वो हम बात करने वाले हैं निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, कि वो कैसा इंडेक्स है और डज इट सेटिस्फाई जो हमें अगर मिड कैप एलोकेशन लेना है अपने पोर्टफोलियो में, और अगर हम एक इंडेक्स इन्वेस्टर हैं। आजकल मेरे को बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं जो कह रहे हैं सर हम इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करेंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है लोगों का। तो अगर आप एक इंडेक्स इन्वेस्टर हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, अच्छा ये एक अच्छा इंडेक्स है या कुछ और ऑप्शंस हैं, तो हम दूसरे इंडेक्सेस की भी बात करेंगे आगे, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि वो है क्या एग्जैक्टली, राइट, कितने स्टॉक्स में डालता है। तो जैसे नाम तो 150 है, तो ऑब्वियसली 150 स्टॉक्स में डालता है, राइट, बाई डेफिनेशन, राइट? अगर हम सेबी की डेफिनेशन की बात करें, मिड कैप का डेफिनेशन तो आपको पता ही है, वो है 101st जो बाय मार्केट कैप कंपनी टू 250th कंपनी, राइट? तो ये 150 कंपनीज जो हैं ये मिड कैप कंपनीज मानी जाती हैं सेबी की डेफिनेशन के हिसाब से, राइट? तो उसी हिसाब से ये वो 150 कंपनीज, पूरा का पूरा ये इंडेक्स उन्हीं 150 कंपनीज का जो है NSE ने बनाया हुआ है, जिसका नाम है निफ्टी मिड कैप 150, ठीक है। तो सिंपल पूरा का पूरा एक कंप्लीट यूनिवर्स ऑफ मिड कैप फंड आपको, बेसिकली मिड कैप स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं इसमें पूरे 150 के 150। तो ऑब्वियसली हाई डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है ना, 150 स्टॉक्स का एक तरह से आपका इंडेक्स है ये, राइट? इसकी दो बार जो है साल में रीबैलेंसिंग होती है, रीबैलेंसिंग या फिर रिव्यूज जो बोल सकते हैं, जिसमें स्टॉक्स आते हैं जाते हैं। ऑफकोर्स मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस में चेंजेस ज़्यादा होते हैं, राइट, क्योंकि मार्केट कैप जो है ज़्यादा घूमता है, वहाँ पे चेंज होता है, तो उसकी वजह से इसमें चेंजेस ज़्यादा होते हैं। तो मार्च और सितंबर दो बार साल में इनकी रीबैलेंसिंग बोल लो आप या फिर रिव्यू बोल लो, तो वो दो बार होती है, ठीक है। और दूसरा इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस, जैसे हमने निफ्टी 50 की जब हम इंडेक्स बात करते हैं, राइट, तो वो एक फ्री फ्लोट मार्केट कैप के थॉट प्रोसेस से बना है, राइट? तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या होती है उसके लिए वीडियो भी बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, तो वो आप सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल पर। तो वो फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से बना हुआ है, लेकिन ये जो है ये टोटल मार्केट कैप के हिसाब से बनता है ये वाला इंडेक्स, राइट? तो मतलब कंपनी जो है वो मार्केट कैप के हिसाब से बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दो, 101st से लेकर 250th कंपनी जो है वो हमारा इंडेक्स बन गया, सिंपल, राइट? तो उस हिसाब से ही चलता है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें चेंजेस कैसे होते हैं, तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि भाई एक पर्टिकुलर डेट पे कोई भी, अगर मान लो कंपनी जो है वो 101st की जगह 100 हो गई, ठीक है, और 100 तो वो हट जाएगी, या फिर कोई कंपनी ऐसा है कि 249th थी अब 251st हो गई तो हट जाएगी, इतना, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे, और एक पर्टिकुलर डेट पे एवरी सेकंड आपको पता है कि मार्केट कैप चेंज हो रहा है, लाइक मार्केट ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है। तो इसीलिए थोड़े से इन्होंने रूल्स को फ्लेक्सिबल रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंजेस ना हो, ताकि ऐसा ना हो कि हमने, तो उस हिसाब से इन्होंने क्या किया हुआ है कि अगर टॉप 225 में के बियॉन्ड चला जाता है ना, तो फिर वो, सॉरी, 275 के बियॉन्ड, अगर टॉप टू 275 के बियॉन्ड चला जाता है तो फिर ये उसको निकालने की बात करते हैं, राइट? और अगर हम डालने की बात है तो टॉप 225 में आना चाहिए वो स्टॉक, 225 में नहीं, 225 में, तो 25 स्टॉक का वो थोड़ा सा एक गैप रखा है, तो 225 में अगर टॉप में आता है तो ही उसको इंक्लूड करते हैं, ऐसे नहीं इंक्लूड करते, ठीक है ना। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखा है, ऐसा बहुत ज़्यादा चेंजेस ना हो, ताकि, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि मिड कैप स्टॉक्स हैं उसमें चेंजेस, वोलेटिलिटी ज़्यादा ही रहती है, एंड आई एम श्योर आपको पता ही है ये, राइट, और हम उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे ही, राइट? तो इस तरह से ये चेंजेस रहते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पर अब मेरी टेबल देखेंगे तो आप रिसेंट चेंजेस देख पाएंगे जो मार्च 2022 में इसमें हुए हैं, तो ऑलमोस्ट 17 स्टॉक्स
जो है चेंज हुए, राइट। तो 17 नए आए और 17 चले गए, तो ये पूरी लिस्ट है। तो ऑब्वियसली इतने सारे स्टॉक्स होते ही हैं मिडकैप इंडेक्स में, और 150 हैं भी, 150 तो ये काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते ही हैं। तो ये 17 स्टॉक्स जो हैं आप जो देख रहे हैं ये इन हुए, तो ये नए एंटर हुए, और ये 17 स्टॉक्स जो हैं वह हटे। तो उसमें से कुछ एग्जांपल जैसे मेरे ख्याल से माइंडट्री है तो वो लार्ज कैप में चला गया होगा, तो इसलिए वो मिड कैप से चला गया, राइट, क्योंकि इट हैज़ गुड परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल से SRF भी जो है वो लार्ज कैप में चला गया होगा, तो इसीलिए वो मिड कैप इंडेक्स से चला गया है, राइट। तो इस तरह से कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो लार्ज कैप में चले गए, कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो स्मॉल कैप में चले गए, जैसे हमारा राजा है शायद वो मिड कैप से स्मॉल कैप में चला गया होगा, तो वो इसलिए मिड कैप इंडेक्स से हट गया। तो दोनों तरफ से जो हट जाते हैं तो उस हिसाब से ये बन जाता है। तो ये सारे जो स्टॉक्स हैं ये नए ऐड हो गए हैं। अब येस बैंक जो है वो एक मिड कैप में ऐड हुआ है, राइट, पहले लार्ज कैप में होगा तो अब वो मिड कैप में ऐड हुआ है। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ऑब्वियसली इसका यूनिवर्स जो है वो NSE 500 ही है, राइट। तो NSE 500 में वो स्टॉक होना ही चाहिए और उस हिसाब से ये चेंजेस रहते हैं। तो अभी जो टॉप 50 स्टॉक्स इसमें, मैं 150 की तो लिस्ट में नहीं दिखा पाया बिकॉज बहुत सारे हैं, तो टॉप 50 स्टॉक्स की लिस्ट अगेन यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, राइट। तो ये टॉप, तो अदानी टोटल गैस की सबसे ज़्यादा बड़ा एलोकेशन है 4.1%, उसके बाद टाटा पावर है, टाटा एलेक्सी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, AU स्मॉल फाइनेंस, तो इस तरह से ये हैं। अगर आप इनके वेटेज भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि किसी का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, राइट, काफ़ी सारे देखो 0.8, 0.8, 0.9, 0.9, राइट। तो वेटेज ऐसा नहीं, क्योंकि 150 स्टॉक्स हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ स्टॉक्स का बहुत ज़्यादा है और बाकी धीरे 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 बहुत कम होता रहता है, वैसा नहीं है। तो काफ़ी एक यूनिफॉर्म सा वेटेज है, मतलब मोर और लेस, ऑब्वियसली जब हम 150 तक चले जाएंगे तो शायद 0.1, 0.2% ही रह जाएगा, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि टॉप वाले का, सिर्फ अदानी टोटल गैस को अगर हम छोड़ दें जो 4.1 है, उसके बाद तो 2.1 पे आ जाता है, 1.8 वगैरह, तो फिर मतलब 2% के आस से कम का ही एलोकेशन ऑलमोस्ट है सभी स्टॉक्स का। तो इसीलिए मतलब डाइवर्सिफिकेशन ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि टॉप पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, राइट। सेक्टर एलोकेशन जो है सबसे ज़्यादा इसमें फिनेंशियल सेक्टर ही है, 15.8% फिनेंशियल सेक्टर का एलोकेशन है, फिर केमिकल्स का एलोकेशन है, फिर हेल्थ केयर एलोकेशन है अराउंड 10%, राइट। ऑब्वियसली इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम निफ्टी 50, अगर हम निफ्टी 50 में हम जाएंगे, राइट, तो वहाँ पर बैंकिंग फिनेंशियल्स का बहुत ज़्यादा एलोकेशन होता है मोस्टली, राइट, बिकॉज मोस्टली सारे बड़े बैंक्स वहाँ पर हैं, राइट। और फिर अगर हम वहाँ पर देखेंगे तो FMCG का भी काफ़ी बड़ा एलोकेशन है वहाँ पे, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो FMCG जो है वो सिर्फ 4% एलोकेशन है, तो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है मिड कैप। वहाँ पर केमिकल सेक्टर का एलोकेशन 12% है, विच निफ्टी 50 में हार्डली बहुत थोड़ा सा होगा। तो आप मतलब क्योंकि ग्रोइंग कंपनीज हैं, कौन सा सेक्टर अभी चल रहा है, तो केमिकल सेक्टर हैज़ डन वेरी वेल इन लास्ट 2-3 ईयर्स, तो मिड कैप में काफ़ी सारे छोटी कंपनीज मिड कैप में आई होंगी, तो इसलिए केमिकल सेक्टर इज डूइंग वेरी वेल। हेल्थ केयर सेक्टर में भी, इंजीनियरिंग सेक्टर में भी, तो ये वाले सेक्टर्स इसमें ज़्यादा हैं, तो ठीक है ना। तो आप निफ्टी 50 और अगर इसके साथ कंपेयर करें तो काफ़ी डिफरेंट आपको सेक्टर एलोकेशन दिखेगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ समझ लो, जब आप ये एलोकेशन ले रहे हो इस इंडेक्स में तो काफ़ी डिफरेंट सेक्टर्स में आप एलोकेशन ले रहे हो, राइट, क्योंकि टॉप 50 कंपनीज का एलोकेशन मतलब सेक्टर्स काफ़ी डिफरेंट है इससे। अब रिटर्न्स की बात करें अगर हम, राइट, तो ऑब्वियसली मार्केट, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज की बात है, तो मार्केट्स थोड़ा, हाँ, लास्ट 1 वीक फिर भी ठीक रहा लेकिन ओवरऑल गिरे हैं, राइट। तो 1 ईयर में अभी सर परफॉर्मेंस सिर्फ 3% है और मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा गिरा है, राइट। तो अगर हम निफ्टी 500 के साथ परफॉर्म करें तो वो ऑलमोस्ट उतना ही है 3 ईयर्स में। ये मैंने यहाँ पर मिड कैप कैटेगरी एवरेज के साथ भी इसको कंपेयर किया, तो आप देखोगे तो ट्रेलिंग रिटर्न्स में, राइट, 5 ईयर में तो एक्चुअली इंडेक्स ने बेटर परफॉर्म किया है कैटेगरी एवरेज से, 10 ईयर में बराबर है, 3 ईयर में भी थोड़ा बेटर है। तो इंडेक्स ने कैटेगरी एवरेज से तो ट्रेलिंग रिटर्न्स में बेटर परफॉर्म किया है। कैलेंडर में भी देख लेते हैं अब इस चार्ट में, तो कैलेंडर में भी अगर आप देखोगे तो 2021 में भी बेटर है, 2020 में भी बेटर है, लास्ट 2 साल में जो है इंडेक्स ने कैटेगरी एवरेज से बेटर किया है, इवन निफ्टी 500 से भी बेटर किया है, ठीक है। लेकिन 2019 में खराब परफॉर्मेंस था, 2018 में भी खराब परफॉर्मेंस था, तो 2 साल खराब भी रहे हैं उनके, राइट। लेकिन 2017 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, ठीक है। तो इस तरह से मिक्स्ड है अगर हम देखें, तो वही है यार कि अगर कुछ अच्छा है कुछ बुरा है तो फिर एक्सपेंस रेशियो ही बचा लो, राइट। अगर कुछ खास रिटर्न्स अपने को ऐसा नहीं है कि भाई हम बहुत ही कोई क्या कहते हैं मतलब अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है तो हम सोचें कि यार इस इंडेक्स में नहीं डालते, काफ़ी ख़राब परफॉर्म कर रहा है म्यूचुअल फंड से जो एक्टिव मैनेज हैं, तो वैसा तो नहीं लग रहा है। ऑफकोर्स कुछ फंड्स बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बट ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, तो मतलब इसीलिए शॉर्टलिस्ट में तो हमेशा इंडेक्स फंड को अब रख ही लेना चाहिए, मतलब जिसके अच्छे इंडेक्स फंड्स ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर हम मिड कैप एक कैटेगरी में मतलब एक मिड कैप एलोकेशन लेना चाहते हैं तो।
ठीक है, तो ये क्लियरली हमें रिटर्न से पता चल रहा है। अगर हम देखो 2012 और 14 का परफॉर्मेंस शायद इतना इनका कम रहा क्या कहते हैं मिड कैप कैटेगरी से, बट उसके बाद जो परफॉर्मेंस जो है उसमें मोस्टली अच्छा ही दिख रहा है, ठीक है, मिड कैप कैटेगरी एवरेज से, ठीक है। बट ऑफकोर्स एज आई सेड कि फंड स्पेसिफिक डिस्कशन पे जाएंगे तो काफ़ी डिफरेंट स्टोरी बन सकती है, तो वो जब हम इंटरेस्ट इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमें देखना ही चाहिए। ऑफकोर्स रोलिंग रिटर्न्स भी अगर हम देखें राइट, तो लोवेस्ट तो ठीक है ख़राब है, लेकिन हाईएस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न रहा है 5500 से, तो कंसिस्टेंटली अच्छा है क्योंकि वो तो मिड कैप कैटेगरी थोड़ा, और 5500 में बहुत ज़्यादा बड़ा एलोकेशन है टॉप 50 स्टॉक्स, ठीक है ना, तो मतलब वेटेज के वाइज जो है वो टॉप 50 स्टॉक्स मतलब लार्ज कैप ओरिएंटेड ही है ज़्यादातर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली 5500 और निफ्टी मिड कैप 150 की जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो आप एक मान के चलो कि वो एक 5500 इज़ मोर लार्ज कैप इंडेक्स, ठीक है, तो ये मिड कैप इज़ प्योर मिड कैप, ठीक है ना। तो परफॉर्मेंस वाइज तो ऑफकोर्स मिड कैप अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो बीट ही करता है, ठीक है, लेकिन रिस्क भी ऑब्वियसली वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, और हमने देखा भी है लास्ट वन ईयर में ज़्यादा गिरा है मिड कैप इंडेक्स एज कम्पेयर टू 50। लेकिन मिड कैप कैटेगरी एवरेज से भी जो परफॉर्मेंस है ना अगर हम देखें राइट, तो वो बेटर है, ठीक है, मतलब मोस्टली राइट। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग वर्सेस एक्टिव मैनेज, तो वो काफ़ी क्लोज है, मतलब ऐसा नहीं है कि अंडर परफॉर्मेंस है, अंडर परफॉर्मेंस तो नहीं, बेटर ही है थोड़ा सा, एटलीस्ट ये दिख रहा है हमें, ठीक है। अगर हम रिस्क वाइज देखेंगे तो ऑफकोर्स 5500 के साथ मैंने रिस्क कैलकुलेट किया है तो वो ज़्यादा ही रहेगा, जैसे मैंने बोला वोलेटिलिटी तो ज़्यादा है ही राइट, तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी ज़्यादा है, बीटा अभी जो है मोस्टली 1 से ऊपर ही रहेगा 5500 के मुकाबले, तो दैट इज़ गिवन राइट कि हम ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं जब हम मिड कैप फंड में डाल रहे हैं, ठीक है। बट अल्फा भी उस हिसाब से जनरेट हुआ है, बट मतलब बीच में अगर हम जून 2019 से जून 2021 के बीच में 1.5 साल ख़राब रहा, जिसमें से क्या कहते हैं हमारा कोविड जो आया तो उसमें ऑब्वियसली स्मॉल एंड मिड कैप ज़्यादा गिरे एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप्स, ठीक है, बट ओवरऑल अल्फा जनरेट हुआ है राइट। 2017 में तो बहुत अच्छा अल्फा जनरेट किया, मतलब 11-12% का अल्फा जनरेट किया राइट, तो वो ये मैं कह रहा हूँ, वो तो आपको एक कॉल है कि आप रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल के हिसाब से इस इंडेक्स को देखो, मतलब रिस्क भी ज़्यादा है, रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी थोड़ा ज़्यादा है, बट उस हिसाब से लॉन्गर होराइजन भी हमें ज़्यादा रखना चाहिए। जब हम मिड कैप फंड्स में डालते हैं तो मैं हमेशा मोस्टली बोलता हूँ कि 8+ से 10+ ईयर्स का होराइजन रखो मिड कैप स्मॉल कैप में, तो ठीक है, उसमें तो फिर भी हम 5-7+ ईयर्स का देख सकते हैं लार्ज कैप में रख रहे हैं, बट अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप की बात करते हैं तो 10+ का हमें सोचना चाहिए ये होराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज वोलेटिलिटी उस हिसाब से ही रहती है, ठीक है। तो और हमें अपना वो भी समझना चाहिए कि रिस्क प्रोफाइल हम उस हिसाब से देख सकते हैं क्या, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मार्केट तो 10% गिरी हुई है, हमारा पोर्टफोलियो 20-25% गिरा हुआ है, आप टेंशन में हो यार निफ्टी 50 मैं क्या कर रहा हूँ, निफ्टी 50 तो 10% ही गिरा है, तो वो हो सकता है, ठीक है, वो उल्टा भी हो सकता है। तो वही चीज़ है कि वोलेटिलिटी ज़्यादा है और वो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा क्लियर बता रहा है यहाँ पे राइट। हाँ, तो कौन कौन से फंड्स अवेलेबल हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो यहाँ लिस्ट आ गई है आपके पास, ठीक है, तो 8 अभी हमारे पास फंड्स हो गए हैं राइट। तो मैंने बोला 2019 से पहला लॉन्च हुआ था, उसके बाद काफ़ी सारे हो गए राइट। तो मोतीलाल ओसवाल का इंडेक्स फंड है, ठीक है ना, उसमें सबसे ज़्यादा AUM है 536। तो इंडेक्स फंड्स मतलब मोस्टली वी प्रेफर मोर बिकॉज, बट आई नो कि उसमें थोड़ा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहता है, बट बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम थिंग, बट आई थिंक नाउ सेबी का नया पेपर आया तो वॉल्यूम इशूज इन ETF शुड गेट रिजॉल्व। तो मतलब अभी ऑप्शन आपके पास है ETFs का भी, तो निप्पो का ETF है और निप्पो का इंडेक्स फंड भी है, ठीक है, ICICI का ETF है, मिराई का ETF है, इसमें आदित्य बिरला ICICI प्रू का एक इंडेक्स फंड भी है और नावी का इंडेक्स फंड भी है राइट। तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, इसमें जो भी आप एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर चेक कर लो, एक्सपेंस रेशियो चेक कर लो, ETF में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वॉल्यूम चेक कर लो, तो ये 3-4 चीज़ें चेक करके जो भी आपको ठीक लगता है आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए राइट। तो अगर आपको ये करना है तो ये सारे आपके पास ऑप्शन हैं अगर हमें ये वाला फंड करना है सिलेक्ट फॉर अवर मिड कैप स्पेसिफिक एलोकेशंस। सो दैट इज़ ऑल ऑन दिस। ये सारा डेटा मैंने फंडोमीटर अपने फंडोमीटर की वेबसाइट से लिया है, हमने बहुत सारे इंडेक्स फंड्स और ETFs के रिव्यू स्टार्ट कर दिए हैं राइट। तो अगर आपके पास अभी तक हमारा फंडोमीटर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो क्या सोच रहे हैं, यू कैन गो देयर। अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं या फिर म्यूचुअल फंड में रिसर्च करते हैं या म्यूचुअल फंड को फॉलो करते हैं, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ बेटर प्लेटफॉर्म देन फंडोमीटर इन इंडिया करंटली जो म्यूचुअल फंड को रिव्यूज़ करते हैं। तो आप फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ ऑल। प्लीज़ डू लाइक जाते जाते और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड की वीडियोज़ थोड़े कम चलते हैं और फिर मोटिवेशन भी कम होता रहता है, तो ये चलता है कि सीरीज़ किसी को काम भी आ रही है या नहीं आ रही है, आपको काम आ रही है क्या ये सीरीज़, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दो, एटलीस्ट ये तो लिख दो
कि हाँ सर कुछ नॉलेज गेन हो रही है म्यूचुअल फंड के लिए, तो दैट विल ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।